अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है हम लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर जो था वो आपका 2 था। और चैप्टर 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है हमारा। और लास्ट टॉपिक क्या है पहले मैं आपको बता रही हूँ, क्या है वो लास्ट टॉपिक। कुछ डिफरेंसेस करेंगे हम डक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, और इसके अलावा जो है थ्योरी एंड लॉ के दरमियान जो है वो डिफरेंसेस देखेंगे। क्योंकि दोनों टॉपिक जो मैंने लिखे हैं, दोनों टॉपिक में कुछ डिफरेंसेज हैं वो आपको पढ़ने हैं, और कुछ डेफिनेशंस हैं जो लास्ट मैंने आपको कोई डेफिनेशन करवाई थी, तो एक दो डेफिनेशंस और रहती थी आपकी। तो आइए, जो मैंने हैंड आउट तैयार किया उसमें मैंने खुद राइट किया है, तो वो जो रिटर्न वर्क है वो देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग के डिफरेंसेस हैं वो देख लें। पहले आप इसकी डेफिनेशन समझ लें कि ये है क्या। रीजनिंग, अगर हम डक्टिव रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग फ्लोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर इंडक्टिव की बात करें तो ड्राइव जनरल प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। इसको एज एग्जांपल अगर आप समझेंगे तो समझना आसान होगा। इंडक्टिव रीजनिंग में इस तरीके से होता है कि सपोज दैट हमें ये पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं, इसकी एग्जांपल ऐसे कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं वो सब के सब जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, ये तो आपको पता है। तो ह्यूमन भी जो है वो क्या है, एक ह्यूमन भी जो है वो एक जानदार ऑर्गेनिज्म है, तो डेफिनेटली ह्यूमन भी जो है वो किससे बना है, सेल से। ठीक है, तो ये एक तरह का एक डिटर्मिनेशन होती है कि हमें एक चीज़ को देखकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ये मैंने आप लोगों को जब मैं आपको रीजनिंग और डिडक्शन पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो इसी को कहते हैं डक्टिव रीजनिंग, कि हमें एक चीज़ का जो है पता है और उसको देख कर हम किसी दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, इसे कहते हैं हम डक्टिव रीजनिंग। जिस तरीके से जैसे तमाम ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने, तो इट्स मीन कि और भी जितने भी, जैसे कि ह्यूमन जो है, जैसे हम भी एक जानदार हैं, तो हम क्या, हम भी किससे बने, सेल से बनकर बने। तो एक चीज को देखकर दूसरी चीज को डिटरमाइन कर लेना, इसे कहते हैं हम डक्टिव रीजनिंग। इस तरीके से इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑन ईयर्स ऑफ द फाइंडिंग फ्रॉम बायोलॉजिस्ट। यानी कि अब इसमें यह है कि अगर अब इसका तो इसको अपोजिट कर दें, जैसे अगर एक साइंटिस्ट है तो उसने जो है क्या किया कि तमाम जानदारों को देखा हुआ लेकिन उसने इंसान को नहीं देखा। जैसे एक बात है, जैसे मैंने आपको जो है एक एग्जाम्पल दी थी कि एक साइंटिस्ट है, उसने दुनिया के तमाम बर्ड्स देखे हैं लेकिन उसने स्पैरो को नहीं देखा हुआ। स्पैरो भी एक बर्ड है, सारे बर्ड्स देखे हैं लेकिन उसने क्या किया, स्पैरो को नहीं देखा है। तो उसने तमाम बर्ड्स के अंदर जो फीचर्स थे, यानी कि उसमें उसको फैदर्स नज़र आए, यानी पर है उनके जिस्म पे, ठीक है, उसको उसमें जो है बीक्स नज़र आए, इसके अलावा उन तमाम बर्ड्स में उनको विंग्स नज़र आए जिनकी मदद से वो फ्लाई करते हैं, लेकिन उसने जो है उस वक्त स्पैरो को नहीं देखा हुआ था। लेकिन तमाम बर्ड्स, चूँकि तमाम बर्ड्स जानदार हैं और तमाम बर्ड्स में उनको जो फीचर्स नज़र आए, उन फीचर्स को देखते हुए उसने ये डिटरमाइन किया कि स्पैरो भी एक बर्ड है, एक जानदार है, और वो भी इन्हीं परिंदों की तरह फीचर्स रखता होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, तो ये फ़र्क है किसमें, डक्टिव रीजनिंग में और इंडक्टिव रीजनिंग में। एक डिटरमिनेशन होती है जो हम किसी एक को देखकर जो है वो किसी दूसरी में खुद फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमने एक चीज़ ऐसी देखी तो हो सकता है कि ये दूसरी चीज़ है वो भी ऐसी होगी, एक को देखकर दूसरी चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, नाउ थ्योरी एंड लॉ के डिफरेंसेज ये आप लोग देख लें, बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। थ्योरी एंड लॉ हम पढ़ चुके हैं, इसके सिर्फ डिफरेंसेज आपको इस तरीके से लिख लेने हैं। इसके अलावा डक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया, उसके डिफरेंसेज भी आपको एज वैसे ही लिख लेना जैसे राइट किया हुआ है, एंड थ्योरी एंड लॉ के डिफरेंसेज भी आपको रजिस्टर में लिख लेने। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, दो टर्मिनोलॉजीज हैं आपको ये करना है, मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल्स आर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम यूजिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट एंड लैंग्वेज। यानी मैथमेटिकल मॉडल जो होता है, किसी भी डाटा को हम मैथमेटिकल वे में जब राइट कर रहे होते हैं, उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, तो उसे हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, इसको भी आपको राइट कर लेना, ये डेफिनेशन है। नाउ ग्राफ आर डायग्राम शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम है जो शोइंग करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग, इन दो चीज़ों के दरमियान या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, उसको भी मैथमेटिकल तरीके से शो किया जाता है, उसे हम कहते हैं ग्राफ। तो मैथमेटिकल मॉडल, ग्राफ, इससे पहले जो मैंने डेफिनेशन करवाई थी रेशो, ठीक है, प्रोपोर्शन और मैथमेटिकल बायोलॉजी, इन पाँचों डेफिनेशन को डेफिनेशन के हैंड डालने के बाद आप लिखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।